शक्तिमान 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 शक्ति 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 शक्तिमान। अगर आप भी 90 के दशक के बच्चे हैं तो ये बात तो कन्फर्म है कि आपने इसे पूरी लाइन को पढ़ा नहीं होगा, बल्कि उसी टोन में गाया होगा जैसे बचपन में हमने सुना है। मेरा हाल भी आप ही की तरह है। आज के वक्त में भले ही बच्चों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कई साधन हो, कई सुपर हीरो हो, लेकिन 90s के वक्त में तो हमारे लिए सुपर हीरो मतलब शक्तिमान ही था। इसलिए आज हम आपके लिए अपने पिटारे से शक्तिमान नाम का हीरा निकाल कर लाए हैं। इससे पहले कि आपको फैक्ट से बताया जाए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके फटाक से नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए गंगाधर जी से मिलते हैं आज। नंबर एक, शक्तिमान का पहला एपिसोड 6 सितंबर 1997 को टेलीकास्ट हुआ था। उस वक्त ये सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था। 2005 में अधूरी कहानी के साथ ही शक्तिमान को बंद कर दिया गया था। नंबर दो, मुकेश खन्ना जो इस शो में शक्तिमान का किरदार निभा रहे थे और शो के प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर इस सीरियल की शुरुआत की थी। सीरियल का नाम पहले आकाश होने वाला था, लेकिन बाद में इसे शक्तिमान कर दिया गया। शो की कहानी पहले एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को सुनाई गई थी, जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। नंबर तीन, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? अब से कुछ साल पहले यह सवाल एक दूसरे से सब लोग पूछ रहे थे, लेकिन जब हम छोटे थे तो उस वक्त सबसे जरूरी सवाल था, क्या गंगाधर ही शक्तिमान है? यही नहीं, आपको बता दें कि शक्तिमान में मुकेश खन्ना ने शक्तिमान, गंगाधर, मेजर रंजीत सिंह, सत्या और शक्तिमान का क्लोन इन सबको प्ले किया है। नंबर चार, आप सबको केवल शक्तिमान गंगाधर है यही याद होगा, लेकिन क्या आप गंगाधर नाम के किरदार का पूरा नाम जानते हैं? हम आपको बता दें, शक्तिमान धारावाहिक में गंगाधर का पूरा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री था। ये पूरा नाम तो आप शायद ही जानते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर पांच, शक्तिमान धारावाहिक का थीम सॉन्ग एक ओपनिंग सॉन्ग गालिब असद ने लिखा था। साथ ही इस धारावाहिक को मुकेश खन्ना के प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनाया गया था। नंबर छह, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ बच्चे जो शक्तिमान की नकल उतारा करते थे, उनकी वजह से ये शो बंद कर दिया गया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि दूरदर्शन की फीस बढ़ने के साथ ही शो को सही टाइम और डे स्लॉट नहीं मिलने की वजह से इसे दूरदर्शन पर बंद कर दिया गया था। आप चाहे तो इसे मुकेश खन्ना जी के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। नंबर सात, आपको ये बात हैरान कर देगी कि अपने देश के वित्त मंत्री रह चुके अरुण जेटली जी ने मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान को लेकर केस लड़ा था। असल में कुछ लोगों ने झूठा केस कर दिया था शो के ऊपर, क्योंकि उन्हें शो की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर जो लग रहा था। बाद में अपने हीरो ने केस जीत लिया, वो भी सबूत में फैंस के लेटर दिखाकर। नंबर आठ, आज के सुपर हीरो को लेकर जैसे कॉमिक कॉन मीट होते हैं, वैसे ही शक्तिमान को लेकर भी पहले मीट हुआ करते थे, जिन्हें आप एक तरह के कॉमिक कॉन मीट बोल सकते हैं। इसमें शक्तिमान का बड़ा सा पुतला खड़ा किया जाता था, साथ ही उनके फैंस अलग अलग किरदार के कपड़े पहन कर आते थे। देसी भाषा में बोले तो मेला लगता था भाई। नंबर नौ, आपको ये बात काफी हैरान कर सकते कि शक्तिमान शो की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि एक बच्चे ने खुद को ही आग लगा डाला था, ये सोचे कि शक्तिमान उसे बचाने आएगा। इन सब की वजह से शो को काफी दिक्कत भी होती थी, साथ ही बैकलैश भी झेलनी पड़ती थी। नंबर दस, आपको ये बता दें कि मुकेश खन्ना जी शो के VFX से उतना खुश नहीं थे। असल में वो चाहते थे कि इस शो के इफेक्ट सुपरमैन और बाकी फिल्म जैसे हों, लेकिन फिर भी हमें तो उसमें मजा ही आता था। शक्तिमान को खत्म हुए तो कई साल हो गए, लेकिन 90s के बच्चों के लिए तो वो शो एक वरदान था। फिर चाहे डॉक्टर जेकाल का वो पावर वाला डायलॉग हो या तमराज किलविश का अंधेरा कायम रहे हमेशा, आज भी इन्हें सुनकर एक अलग तरह की खुशी होती है। शो के आखिर में वो शक्तिमान का मैसेज देना, ये सब शायद ही कोई भूल सकता है। खैर, जल्द ही हमें शक्तिमान की मूवी भी देखने को मिलेगी, तब तक आप इस वीडियो से ही काम चला लीजिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपकी और आपके दोस्तों की 90s की यादें ताजा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।